सभी को नमस्कार। ग्रामीण भारत संवाद में आप सभी का स्वागत है और आज के जो हमारे मेहमान है ग्रामीण भारत संवाद में वो है आदरणीय राव अब्दुल वारिस जी। पूर्व विधायक रह चुके हैं ताणावन विधानसभा सीट से, कुछ ही क्षणों में वो हम सभी के बीच होंगे ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से, तो आप कृपया बने रहें। जी विधायक जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं जी? मैं एकदम अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं विधायक जी? भगवान साहब आपकी जी। ग्रामीण भारत संवाद में आदरणीय विधायक जी आपका स्वागत है और ये एक छोटी सी मुहिम है जिसके अंतर्गत जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मैं संवाद करता हूं, उनसे मैं सवाल पूछता हूं, तो इसी कड़ी में आपका स्वागत है आदरणीय विधायक जी। तो सबसे पहले मैं परिचय से स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ नेपाल सिंह राणा, गाँव मनट विधानसभा ताणावन जनपद शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला, और आप हैं राव अब्दुल वारिस जी। निवर्तमान विधायक रह चुके हैं ताणावन विधानसभा सीट से 2007 और 2012 के बीच 15वीं विधानसभा में। तो थोड़ा सा मैं सबसे पहले आपके बारे में बता देना चाहूंगा कि 25 साल की अल्प आयु में आप विधायक रहे पहली बार, राष्ट्रीय लोकदल के टिकट से आपने चुनाव लड़ा, 41,204 मत आपको मिले, और जो दूसरे नंबर पर रहे अनूप सिंह 35,801 मत उनको मिले, 5,403 के भारी अंतर से आपने विजय प्राप्त की 2007 से 2012 के बीच विधायक रहे। और आपका जो जन्म है वो 16 मई 1981 कैडी जनपद शामली में हुआ और आप पूर्व विधायक आदरणीय राव राफे खां साहब जी के सुपुत्र हैं। 1969 में वो भी विधायक रह चुके हैं। आपकी जो माता जी हैं आदरणीय मुसरत बेगम जी वो समाज सेविका रही हैं, पहले वो चुनाव लड़ चुकी हैं। और जो आपकी शिक्षा की मैं बात करूँ तो आपने जो है बीकॉम और एलएलबी की है, एसडी डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर से आपकी शिक्षा हुई, उसके बाद डीएवी डिग्री कॉलेज मुजफ्फरनगर से आपकी शिक्षा हुई। तो 15वीं विधानसभा में आप विधायक रहे। तो ये एक छोटा सा एक संक्षेप परिचय था आदरणीय विधायक जी आपके बारे में। तो मेरा पहला सवाल है आदरणीय विधायक जी आपसे कि आपका अभी तक का सफर कैसा रहा, शिक्षा और राजनीति जी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए, और जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उनका सभी का हार्दिक स्वागत है, सबको नमस्कार जी। देखिए साहब, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे माताजी और पिताजी ने मुझसे बहुत एक अच्छे शिक्षा का अवसर इसलिए दिया क्योंकि मेरी बेसिक स्कूलिंग जो है वो देहरादून हुई, जिसके बाद मैं चंडीगढ़ गया, फिर आकस्मिक कारणों से मेरे पिताजी जब देहांत हो गया तो मेरी माताजी ने सारा काम संभाला। जैसा आपने बताया है उन्होंने भी राजनीति में बहुत मेहनत की है और समाज सेविका के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाई। उसके बाद 2000 में वो उपचुनाव लड़ी, 2007 में उन्होंने मुझे आगे किया कि साहब जो परिवार की विरासत है राजनीति की उसको आगे बढ़ाया जाए जी। मेरी तरफ से प्रयास रहा कि 2000 से 2012 तक जो मेरा निर्वाचन हुआ था विधायक के रूप में थानाबान विधानसभा क्षेत्र से जी, कार्य किए जाएं, लोगों के लिए अच्छे काम किए जाएं, जो बेसिक नीड है यानी जो जरूरतें हैं हमारे क्षेत्र की, जिसमें की है स्वास्थ्य है, शिक्षा है और सड़क है, उन पे हम लोगों ने ध्यान दिया और प्रयास ही रहा कि लोगों की निरंतर सेवा की जाए, काम किया जाए ताकि लोगों को ये एहसास रहे कि भाई काम के बल पर और संवाद के बल पर राजनीति अच्छी तरह की जाती जी। आदरणीय विधायक जी आपके बारे जो अभी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से इंटरव्यू को देखेंगे उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आदरणीय विधायक जी बहुत मृदुल भाषी है, हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर के राजनीति करते हैं। तो मेरा अगला सवाल है आपसे, अभी एक वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19 आदरणीय विधायक जी, तो इस वैश्विक महामारी के चलते आपके द्वारा और अभी आप कांग्रेस पार्टी में हैं तो कांग्रेस द्वारा आप क्या क्या कदम उठाए गए जी बताएं संक्षेप। देखिए नेपाल जी, इसमें जैसा महामारी है पेंडेमिक है कोविड-19 का और पूरे विश्व भर में इससे सब लोग परेशान जी, और ये विकट स्थिति बन गई है क्योंकि ऐसी लाइलाज बीमारी है, कोई वैक्सीन का इसका इलाज का कोई संभावना निकट भविष्य में भी नहीं दिख रही है। और इस दौरान जो गरीब मजदूर था वो जब लॉकडाउन घोषणा की गई माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जी, वो कहीं आकस्मिक कारणों से वहीं फंस गए, रोजगार एकदम बंद हो गया। उसके बाद निरंतर उन लोगों ने चाहा कि वो अपने घर लौटना चाहते हैं जी। जैसे सोशल मीडिया का माध्यम है नेपाल जी, मैंने देखा इस समय इस माध्यम से हम लोगों का उनसे जुड़ना हुआ,
जो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, नागालैंड, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, केरला, जो अलग अलग हमारे भारत के प्रदेश हैं, प्रांत हैं, उनमें वो लोग फंसे थे। उनसे संवाद होने के बाद लगभग जब तीसरा लॉकडाउन हुआ, जो 20 दिन का, फिर 17 दिन का, इस तरह उसके बाद निरंतर हम लोगों ने प्रयास किया कि उन लोगों को वहां के प्रशासन से बात करके और एक कोऑर्डिनेशन बनाकर, जिस जनपद के वो रहने वाले थे, अगर मुजफ्फरनगर है वहां के जिलाधिकारी महोदया, शामली है तो वहां के जिलाधिकारी महोदया, जनपद सहारनपुर है तो वहां के जिलाधिकारी महोदया, अलीगढ़ के लोग थे, मथुरा के लोग थे, उरई के लोग थे, तो उन लोग के संपर्क करके एक संवाद बनाकर, एक कोऑर्डिनेशन बनाकर उन लोग को वापस लाया गया। जी अच्छा, आदरणीय विधायक जी, आपके बारे में कहा जाता है आप आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के बहुत खास माने जाते हैं, तो अभी हाल ही में आपने बसपा छोड़ी है और आप कांग्रेस का दामन थामा है, तो इसके पीछे का क्या मतलब रीजन रहा है, वो हम सभी दर्शकों को बताएं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और ग्रामीण भारत संवाद के। नहीं नहीं बिल्कुल, आपका सवाल दुरुस्त है, और मैं पहले लोकदल में था, चाहे मैंने पार्टी छोड़ी हो, लेकिन मैं आज भी चौधरी अजीत सिंह जी का सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मेरे पिताजी ने पार्टी जब शुरू की तो भारतीय क्रांति दल हुआ करता था, बीकेडी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, उसका गठन किया और वो पहली बार विधायक उसी पार्टी से। जी 1969 की बात है, पहली बार विधायक जी जी जी, और थाना भवानी क्षेत्र हुआ करता था, और नेपाल जी संयोग की बात है, मुझे भी पहली दफा 42,000 वोट मिले और उनको भी लगभग 41,000-42,000 वोट मिले थे जी, जब 69 में चुनाव लड़े। और रही बात बहन जी की, बहन जी ने मुझे सम्मान दिया, मैं 3 बार लड़ा चुनाव वहां से, 2 दफा, और उन्होंने सम्मान दिया है, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से मेरे व्यक्ति का संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे, और उन्होंने मेरी जब भी मुझे उनकी जरूरत महसूस हुई या ये लगा कि कहीं उनसे मुझे किसी मदद की आवश्यकता है या उनसे सहयोग की आवश्यकता है या उन्हें मेरे लिए कहीं अगर किसी का पक्ष रखना पड़ा, तो उन्होंने मजबूती से मेरा पक्ष रखा, तो मेरा भी ये एक फर्ज बनता था कि जब उनको पार्टी से निकाला गया तो मेरा एक प्रयास ये था कि उनको मैं भी एक सहानुभूति स्वरूप उनके साथ रहा। जी, क्योंकि मैं बात करूं 16वीं विधानसभा यानी कि 2012 से 2017 और फिर 17वीं विधानसभा 2017, आप 2012 में तीसरे स्थान पर रहे और 17वीं विधानसभा यानी 2017 में आप दूसरे स्थान पर रहे, जो आपको मत मिले थे अभी जो 17वीं विधानसभा में 74,178, बहुत ही कुछ ही अंतरों से आप मतलब चुनाव हारे थे, और विपक्ष की अगर मैं भूमिका देखना चाहता हूं अगर क्षेत्र की, तो आप दूसरे नंबर पर है कहीं ना कहीं, तो आपकी लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है क्षेत्रवासियों के सामने। तो मेरा तीसरा सवाल आपसे है, हाल ही में चीन द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई, तो इस पर इसको आप किस रूप में लेते हैं और इस पर आपका क्या कहना है? जी नेपाल जी, देखिए पूरा भारत जी एक साथ सेना के साथ है, और जो भी जवान शहीद हुआ है उनकी भरपाई तो शायद ना हो पाए, क्योंकि हमारे दिलों में बड़ा गहरा दुख है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जी पेट्रोलिंग पार्टी पर, जहां पर एक संधि के तौर पर आप कोई हथियार नहीं चला सकते, एम्युनेशन अलाउड नहीं है, तो निहत्ते रहे होंगे, उसके बाद ऐसा करना और इस डीएस्केलेशन के लिए मेजर लेवल तक की मीटिंग हुई और उसके बाद 20 जवानों का शहीद होना, घायल होना, जो मुझे सूचना है, जो मुझे पता लग गया सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से 76 लोग कुछ घायल हुए जो कुछ दिनों बाद ड्यूटी पर रिज्यूम कर जाएंगे, लेकिन एक धोखा है। और ये पूरा गालवन वैली जो है या लद्दाख का जो हिस्सा है, वो पूरा का पूरा भारत का हिस्सा है, और इसमें चीन जो है हमारी संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और हम लोगों को अन्यासा हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री से और हमारी सेना से भी कि हमारी संप्रभुता तो वो लोग कर ही रहे हैं कि किसी का सुरक्षित रहे, हम लोग भी कुछ ना कुछ उसमें सहयोग करें और ये करें कि चाइना को हम लोग जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर सैनिक हमारे लड़ रहे हैं, और लगभग 1,00,000 करोड़ का जो व्यापार है चाइना के साथ, कम से कम उसको हम लोग आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने एक आरोप लगाया प्रधानमंत्री मोदी जी पर कि सरकार ने जो है वो चीजें छुपाई, तो इस पर आपका क्या कहना है कि मतलब जो आदरणीय सोनिया गांधी जी ने अभी
शिक्षक हमारी पार्टी के अध्यक्षा जी हैं माननीय सोनिया गांधी जी ने, और प्रधानमंत्री जी देखिए हो सकता है कि कुछ ऐसा रहा हो कि वो सारी बात सारी सूचनाएं हमसे शेयर ना कर पाए हो, लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ बातें छुपाई गई जी। और छुपाने का क्या कारण है ये माननीय प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं जी, क्योंकि जो बार बार पहले ये कहा गया कि साहब हमारे 3 जवान शहीद हुए, उसके बाद आए ये सूचना देर रात आई कि साहब 20 जवान शहीद हो गए और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उसके बाद ये जो थी घायलों की संख्या 76 पहुंच गई। तो ये चीजें जो है बतानी चाहिए थी, क्योंकि इसके रूप में भारत एक देश है, हर एक व्यक्ति भारत की सेना के साथ, और जहां पर भारत की संप्रभुता का सवाल आता है और भारत की एकता का सवाल आता है, पूरा भारत विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो हमेशा इकट्ठा रहेगा। हमारे अपने जो भी हमारी डिफरेंसेस होंगे या हमारे जो हम लोग के समझते होंगे कि भाई एक राय नहीं हो पाए वो अलग बात है, लेकिन किसी दूसरे देश के विरुद्ध हम सब एक जी। अच्छा आदरणीय विधायक जी, मैं आपको जो कोरोना की स्थिति है भारत में वो बता देना चाहता हूँ। अभी भारत जो है 4थे पायदान पर है और 3,95,812 एक्टिव केस हैं और 12,970 की मौत हो चुकी है अभी तक कोरोना से भारत में। और अच्छी बात ये है निकल के आ रही है कि 2,14,206 लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना से। तो मेरा सवाल है आपसे कि वर्तमान की केंद्र सरकार और प्रदेश की योगी सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं जो उनके द्वारा कदम उठाए गए, और आपके क्या सुझाव हैं जी बताएं। देखिए मेरा ये सुझाव है, क्योंकि भारत है, उत्तर प्रदेश उसका प्रांत है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हों माननीय प्रधानमंत्री जी हों वो यही चाहेंगे कि इस देश में महामारी ना फैले जी। लेकिन जो लॉकडाउन की अवधि थी अगर वो पहले लगा दिया जाता, जब जनवरी में पहला केस रिपोर्ट हुआ जी, तो उसी दौरान अगर ये लॉकडाउन होता या लोगों को समय ये दिया जाता कि आपके पास 15 दिन का समय है, जो मूवमेंट आप चाहते हो, जिस गंतव्य तक आप जाना चाहते हो, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, आप वहां पहुंच जाए और निरंतर उसके बाद 2 महीने का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, मैं ये समझता हूँ उसमें भारी चूक हुई है। उसके बाद जो अचानक जो लॉकडाउन लगा है उससे असमंजस बना, असमंजस की स्थिति में सभी लोग परेशान रहे, जो मजदूर था, जो उद्योगपति था, जो किसान था, तो अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और अब आप ये देखिए कि लॉकडाउन खोलने के बाद कोरोना वायरस के मरीज ज्यादा बढ़े हैं जी, संक्रमण फैला, जो 60 दिन का पूर्ण लॉकडाउन था उससे केवल आर्थिक नुकसान हुआ है, कोरोना वायरस को रोकने में शायद कामयाबी नहीं मिल पाई जी। अच्छा आदरणीय विधायक जी, मेरा सवाल है गन्ना किसानों को लेकर के, कहीं ना कहीं तो गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य 3 वर्षों से एक समान है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष भी कमजोर नजर आता है इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि 325 रुपए प्रति क्विंटल का जो भाव है वो 3 वर्षों से एक समान बना हुआ है, तो इस पर आपका क्या कहना है और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, अपनी कमी स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं और होनी भी नहीं चाहिए कि विपक्ष ने वो काम नहीं किया है जो सामान्यता मूल्य बढ़ाने जो पहली प्रदेश सरकारों में हुआ है, आंदोलन भी हुए हैं और मीलों पर धरने भी हुए हैं और सरकार के विरुद्ध रैलियां भी हुई हैं, इन 3 वर्षों में इस प्रकार का कोई कार्य हमारे विपक्ष द्वारा नहीं किया गया, जिसमें हमारी कमी बिल्कुल झलकती है। और आज मैं आंकड़ेबाजी का खेल देख रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि 1,00,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने भुगतान कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश सरकार है, माननीय मंत्री जी हैं, गन्ना के प्रमुख सचिव हैं बुस्सा रेड्डी जी हैं, सब आपका क्या योगदान है इसको बढ़ाने में? आपने कोई ऐसा काम किया हो, बीज मुफ्त दिया हो, सरकार ने कोई सब्सिडी दी हो तेल पर, या प्रोत्साहन नीति बनाई हो, या कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे ये आप ले सके क्रेडिट के साथ, हम लोगों ने 1,00,000 करोड़ भुगतान कर दिया है। 1,00,000 करोड़ पर जब भुगतान इसलिए भी पहुंचा है नेपाल जी कि रिकवरी जो है 9% से जा बढ़कर 13.5-14% तक बढ़ गई है, और खेत में जो प्रोडक्शन है वो 60-70 क्विंटल प्रति बीघा से 80-90 प्रति क्विंटल बीघा पर चला गया जी।
तो सरकार का ये कहना साहब इतना कर दिया है, ये केवल आंकड़ेबाजी है और अब भी बहुत पैसा बकाया है। जो सरकार ने ये दावा किया था और वादा किया था 14 दिन के अंदर हम भुगतान कर देंगे, अगर उस हिसाब से ब्याज भी लगाया जाए जो 14 दिन का विलंब है, तो सरकार बताए कितना पैसा बाकी। जी अच्छा आदरणीय विधायक जी, हाल ही में एक घटना हुई थी किसानों का गढ़ कहे जाने वाले, जहां के बाबा महेंद्र सिंह टिके थे सिसोली में, किसानों की राजधानी कहा जाता है सिसोली में, तो आप उसको किस रूप में लेते हैं? जी देखिए नेपाल जी, हाँ आत्महत्या का एक कारण हमारे किसान भाई ने आत्महत्या कर ली, और ये दुख की बात है कि पश्चिम में कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ का किसान बहुत संभ्रांत भी है और मेहनती भी है और आर्थिक तंगी से अब शायद जूझ रहा हो, लेकिन पहले कभी ये समस्या यहाँ नहीं रही। आप भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मैं कैडी गांव का हूँ, आप मनट के हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं कि किसान और प्रदेशों के मुकाबले काफी संपन्न है, मेहनती भी है जी। और ऐसे दो महामारी, कहना आपने अभी जिक्र किया था महामारी का जी, कोरोना वायरस चल रहा है, ऊपर से आर्थिक तंगी के कारण अगर किसान मुजफ्फरनगर जनपद और सिसौली राजधानी जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब का जन्मस्थल भी है और रणनीतिक और राजनीतिक एक पहचान का गढ़ है, वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो और उसे अपनी जान गंवानी पड़े, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इस समय किसान कितनी पीड़ा और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। जी आदरणीय विधायक जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि मोदी सरकार ये कहती है कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो आप इसमें कितना सच मानते हैं? जी नेपाल जी देखिए, ये केवल एक जुमला है माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से, आय दुगनी करने का कोई भी ऐसा मुझे उनकी तरफ से कोई ऐसा उपाय आया हो जिससे किसान की आय दुगनी हो, अभी इस हम लोग के जो संवाद हो रहा है उसमें 3 वर्षों से गन्ने के मूल्य में 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ, बढ़ोतरी नहीं हुई है, डीएपी बढ़ गया है, यूरिया का रेट बढ़ गया है, तेल के रेट निरंतर बढ़ रहे हैं, लागत बढ़ रही है, बिजली के रेट निरंतर बढ़ रहे हैं और हमारी जो किसान की जो जमीनें हैं, परिवार बढ़ता है तो वो जमीनें भी घटती जाती हैं, तो हर चीज में किसान को नुकसान है। हम अपनी फसल का मूल्य नहीं तय कर पाते, हम अपनी मर्जी से अपनी फसल बेच नहीं पाते, तो सरकार आए हमारी दुगनी कैसे कर देगी? जीएसटी जो है, जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कृषि यंत्र हैं, उन पर बढ़ा दी गई है, तो नेपाल जी सरकार कहां से हमारी आय दुगनी कर देगी? जी अच्छा आदरणीय विधायक जी, मेरा सवाल है आपसे, भविष्य में 2022 में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो आपका भविष्य के क्या कदम है? देखिए हमारे क्षेत्रवासियों को जी बताएं, नहीं नहीं वो कहीं ना कहीं वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि नहीं बिल्कुल ऐसा है, और आप बुरा मत मानेगा, एक आरोप आपके ऊपर भी लगता है आदरणीय विधायक जी कि चुनाव के समय में आप दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ क्षेत्रवासी कहते हैं, और चुनाव के बाद आप दिखाई नहीं देते, एक ये आरोप लगता है, मैं आपसे सीधा सीधा आपसे कह रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इस पर आपका क्या कहना? जी देखिए, रही बात थानाबन विधानसभा क्षेत्र की, 2007 2012 2017 ये तो चुनाव में लड़ चुका हूँ, 2000 में मेरी माता जी लड़ चुकी हैं और उससे पहले मेरे पिताजी बीकेडी से लोक दल से चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे हारते रहे बात अलग है, लेकिन इस क्षेत्र में किसी भी जाति किसी भी धर्म के व्यक्ति, उन्होंने हमें बहुत सम्मान दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। रही बात ये कि मैं हमेशा ये रखता हूँ कि संवाद का मेरा जरिया है कि मैं टेलीफोन पे संवाद से रहूँ लोगों के व्यक्ति से या मिल पाऊँ आदमी की, ये एक रही बात क्षेत्र की, वही उसी से ज्यादा आदमी अपेक्षा रखता है या उम्मीद रखता है जो आदमी मिलता हो, इसीलिए वो लगता होगा लोगों की मैं संवाद नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि 2007-12 में जब मैं विधायक हुआ तो आधा ही कैराना विधानसभा थानाबान हुआ करती थी और बगरा विधानसभा उस समय अस्तित्व में थी जब समाप्त हो गई, बगरा का आधा हिस्सा मेरे पास आ गया है। तो रही बात चुनाव की, हार जीत हो तो मैं रहूंगा तो थाना भवन में, और अब हार जीत से मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि लोगों का जो मेरे साथ जुड़ाव है, आपने बताया 42,000 51,000 74,000 तो निरंतर बढ़ा है, और राजनीतिक समीकरण ऐसे रहे कि मुझे हारना पड़ गया, क्योंकि राजनीतिक समीकरण लोकन में ऐसे स्तर पे हो जाते हैं
कि आपके वोट में कहीं ना कहीं कटौती हो जाती है, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनको कहीं ऐसे का सामना नहीं करना पड़ता। कुछ चीजें जो लोकल स्तर पर रहती हैं उनसे हर जीत भी तय होती है। थाना भवन से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर किसी को ये लगा कि साहब मेरा संवाद में कमी रही, मैं क्षमा चाहता हूँ। टेलीफोन नंबर मेरा है उपलब्ध, अगर मैं मेरे में कमी है या मैं रखता हूँ कि साहब मुझ पर अगर कोई कॉल आए तो मैं जवाब जरूर देता हूँ टेलीफोन का। नहीं आदरणीय विधायक जी, आदरणीय विधायक जी, मैं आपके बारे में बता देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जरूर एक्टिव रहते हैं, और ये मेरा एक छोटा सा सुझाव भी है क्षेत्रवासियों की ओर से कि आप जरूर क्षेत्रवासियों से व्यक्तिगत रूप में भी आप मिलते रहें, ताकि एक जुड़ाव जो है वो बना रहे, और ये एक छोटा सा सुझाव है आपको। नहीं नहीं, क्षेत्रवासियों की ओर से। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है, और वो सही सुझाव देंगे जिससे कुछ वो उम्मीद रखते होंगे या चाहते होंगे कि ऐसा व्यक्ति हमारे बीच रहे, ये हमारे नेतृत्व करे या राजनीति इस क्षेत्र से करे। और अगर कोई संवाद नहीं बना पाया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और आगे से और प्रयास करूंगा। जितना मेरा प्रयास है उसका दुगना किया जाएगा कि संवाद में और बढ़ोतरी की जाए और लोगों से निरंतर संवाद बना रहे। जी, अंत में चलते चलते आदरणीय विधायक जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप सम्मानित जनता को क्या अपील करना चाहेंगे इस कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते। जी, मेरा केवल ये अनुरोध है मेरे क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से कि जो महामारी है अब इसको हमें अपना आप रोकना। देखिए, बहुत बड़ी जनता है, बहुत बड़ी आबादी है, और अगर हम ये सोचे कि केवल सरकार का ये फर्ज है कि वो हमें बचाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी अपने स्तर पर प्रिकॉशन या सतर्कता बरतनी पड़ेगी, और जो सरकार की गाइडलाइंस उनका पालन होना चाहिए। जो लॉकडाउन की समस्याएं हैं वो तो हम लोग रखेंगे, लेकिन आपस में जो भी निरंतर, यो भी जो आप ये समझ रहे हैं कि आप हम लोग के जो घर में ऐसे नुस्खे होंगे, या जो आपने समझिए हमारे पुराने वैद्य हैं, हकीम हैं, उनके नुस्खे जो बहुत बताए उस कारगर साबित हो रहे हैं, जो मैंने देखा है। जी, जो आजकल बता रहे हैं कि साहब मेडिकल कॉलेजों में भी जो काढ़ा है वो बनाकर पिलाया जा रहा है, जिससे निरंतर लोग स्वस्थ हो रहे हैं, ये बात मेरे सामने आई है। तो हमारे घर के जो ऐसे नुस्खे हैं जो हिकमत के हैं या वैद्य द्वारा जो किए गए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना। देखिए साहब, आप लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन भीड़ जो है निरंतर मार्केट में बनी हुई है, जो सोशल डिस्टेंसिंग उसको कोई पालन हो नहीं पा रहा है। और अगर उसके बाद हम लोग कोरोना वायरस से ग्रसित होते हैं, तो हम किसी को अगर ब्लेम करें या किसी पर अगर हम लोग ये लगाएं कि साहब हम बीमार हो गए, हमको दिख नहीं है उपाय, तो हम लोग ने जो सरकार ने या जो राजनीतिक लोग या जो शासन के लोग या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग प्रचार कर रहे हैं कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ इकट्ठा ना हो, और आप लोग अपने घर पर बने रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, तो मेरी यही अपील है। जी आदरणीय विधायक जी, आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए, और ग्रामीण भारत संवाद को आपने अपना मूल्यवान समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।